अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ ओमेगा इज़ द रूट ऑफ x² + x + 1 = 0, ये हमारे पास रूट है इस इक्वेशन का, तो हमने शो करवाना है शो दैट इट्स अदर रूट इज़ ओमेगा स्केयर। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ये जो है इस इक्वेशन का रूट है, तो हमने शो करवाना है कि ये भी इस इक्वेशन का रूट है और प्रूफ करना है कि ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। अब देखिए, अगर ओमेगा जो है ये हमारा इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये इसे इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। इफ ल्यू ओमेगा इज द रूट ऑफ x² + x + 1 = 0, सो अगर हम ओमेगा जो है x की जगह पुट करें तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0। ठीक हो गया। अगर ओमेगा जो है इसका रूट है इक्वेशन का, तो इसका मतलब ओमेगा से पुट करें तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारे पास हो गया, इसे 1 कह दें। ठीक हो गया। अब हमने शो करवाना है शो दैट ओमेगा स्केयर इज द रूट ऑफ x² + x + 1 = 0। अब हमने शो करवाने के जो ओमेगा स्केयर है वो इसका रूट है, हम इसे इसमें पुट करेंगे। ओमेगा स्केयर x की जगह पुट हो गया और उसके ऊपर x के ऊपर स्केयर था, ये x की जगह लिख दिया और उसके ऊपर स्केयर आ गया, प्लस x की जगह क्या लिखना है, ओमेगा स्केयर प्लस 1 = 0। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, ओमेगा स्केयर का स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर वैसे ही रहने। अब हम इसमें ओमेगा स्केयर जो है प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, ताकि अगर हम बैकवर्ड चलें तो ये हमारे पास इससे कटिंग होकर दोबारा से वही चीज़ बन जाए। अब हम लिखेंगे ओमेगा स्केयर का स्केयर, ये बन जाएंगे प्लस 2 ओमेगा स्केयर, इसे बाद में लिखेंगे, पहले हम इसे लिखेंगे प्लस 1 - ओमेगा स्केयर = 0। अब ये जो चीज़ है इतनी, ये हमारे पास ओमेगा स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर बन रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्केयर, मतलब ए स्केयर प्लस 2ab + b² ठीक हो गया। माइनस इसे अगर हम लिख दें ओमेगा स्केयर इक्वल 0, ठीक हो गया। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बन रही है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के, वही हम इसकी जगह पुट कर देंगे, ए की जगह हमारे पास है ओमेगा स्केयर प्लस 1 और बी की जगह हमारे पास है ओमेगा, हम लिखेंगे ए, ये ए लिख दिया, माइनस बी, अब लिखेंगे ए, ये ए आ गया प्लस अब ये बी आ गया इक्वल 0। अब देखिए ओमेगा स्केयर प्लस 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल था, 0 के। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हम वैसे लिखी रहने देंगे, ओमेगा स्केयर प्लस 1 माइनस ओमेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 बाय इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 से हमारे पास आया है। ठीक हो गया। ये 0 इस सारे को 0 कर देगा तो 0 = 0 हो गया, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया कि ओमेगा स्केयर है जो रूट है एक्स स्केयर का, सो ओमेगा स्केयर इज दी रूट ऑफ x² + x + 1 = 0, इस इक्वेशन का रूट है। यहाँ पे जो ओमेगा और ओमेगा स्केयर यूज हो, उसका मतलब ये बिल्कुल ही, पहले हमने ओमेगा जहाँ आता था वहाँ लिखते थे ना -1 + √-3/2, यहाँ पे ओमेगा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ ये सिंपल वैसे ही ओमेगा, जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके जो रूट्स होते हैं उसी तरह ये एक रूट है हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये इतना तो हो गया, अब आगे क्या है, प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इक्वल 1, इसे 1 कहा था इसे 2 कह लें। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो ओमेगा क्यूब है वो 1 के इक्वल है। अब इक्वेशन 2 हमारे पास जो है और इक्वेशन 1 जो है, इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हम पहले लिखेंगे, ये ओमेगा 4 है, स्केयर का स्केयर 4 बन जाएगा, प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 = 0। इक्वेशन 1 क्या, ओमेगा स्केयर, ये ओमेगा स्केयर के नीचे लिख लेते हैं, प्लस ओमेगा ये साइड पे लिख लिया प्लस 1, ठीक हो गया इक्वल 0। माइनस कर रहे थे तो इनके साइन चेंज होंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गए, ये इससे कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ गया ओमेगा 4 माइनस ओमेगा इक्वल 0। इन दोनों में से ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 = 0। ओमेगा जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, ओमेगा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा क्यूब माइनस 1 = 0, ओमेगा क्यूब
माइनस वन को तो ले जाएंगे, प्लस वन बन जाएगा, तो ये हमने प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक हो गया। एक दफा फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देख ले, उन्होंने कहा था कि अगर ओमेगा जो है, या इसे डब्ल्यू आप लोग पढ़ सकते हो क्योंकि ये एक रूट ही है, रूट है इस इक्वेशन का। अगर इक्वेशन का रूट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इसे इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये हमने पुट कर दिया। फिर आगे वो कह रहे हैं कि शो करवाएं कि इसका जो दूसरा रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना तो इसके फिर दो रूट आएंगे, तो कह रहे दूसरा रूट जो है ओमेगा स्क्वायर है, तो हमने इसमें इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, हमने ओमेगा स्क्वायर पुट किया। अब यहाँ पर हम ये ओमेगा 4 बन जाता है ना, ओमेगा 4, ओमेगा 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा और इसको 1 लिख के डॉट ओमेगा और ओमेगा कर ले, हम इसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये वो वाला ओमेगा नहीं है जो हम अभी तक पढ़ते हैं, ये सिंपल इसका रूट है। हमने इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से किया कि ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा है, ताकि हम उसकी जगह जो है वो 0 पुट कर सकें, इसलिए हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ओमेगा स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इसको लास्ट में लिख लिया, बाकी इसको इसके साथ लिख के यहाँ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला बन गया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, तो ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया, ये चीज़ 0 थी जिसने सारे को 0 कर दिया, ये सेटिस्फाई हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या प्रूव करना था कि ओमेगा क्यूब है 1 के इक्वल, तो हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, कटिंग होने के बाद हमारे पास ओमेगा 4 माइनस ओमेगा इक्वल 0 आ गया, उसमें से हमने ओमेगा जो है वो कॉमन ले लिया, बाकी ओमेगा क्यूब माइनस 1 आया, ओमेगा क्यूब ओमेगा 0 के इक्वल नहीं है, तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल 0 क्यों होगा, 1 को उधर लेके प्लस होगा तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आ गया, जो हमने प्रूव करना था, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहे प्रूफ दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ माइनस 1 आर 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2, ये जो दो है वो कहते हैं प्रूव करें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं माइनस 1 के। हम पहले माइनस 1 के रूट्स निकालेंगे, लेट एक्स बी दी क्यूब रूट ऑफ माइनस 1, तो फिर हम क्या करेंगे एक्स इक्वल माइनस 1 की पावर 1 ओवर 3, टेकिंग क्यूब बोथ साइड कर लें तो एक्स क्यूब इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के, ये इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल सॉरी प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब, फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें वही रहेगी। ए प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ही आएगा प्लस 1 बी का स्केयर, मतलब 1 का स्केयर 1 आ गया, ठीक हो गया। दोनों को एक दफ़ा इक्वल 0 के रखेंगे, 1 एक्स प्लस 1 इक्वल 0 के रखेंगे तो 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, इसका एक रूट तो ये आ गया, ठीक हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, अब इसे इक्वल 0 के रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को इक्वल 0 के रखेंगे हम, अब इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर रूट ओवर 2 ए, इस पर वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की माइनस 1 है और सी की भी 1 है, यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 है और सी की भी 1 है, तो ये 4 ही रह जाएगा ओवर 2 ए की वैल्यू 1 है, यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 3 ओवर 2 वन ज़ा 2, एक तो प्लस में लिखेंगे एक तो माइनस में लिखेंगे, एक्स इक्वल 1 प्लस स्केयर रूट माइनस 3 ओवर 2 और एक्स इक्वल 1 माइनस स्केयर रूट माइनस 3 ओवर 2, ये इसके दोनों दो रूट आ गए, ये हमने प्रूफ करना था। अब आगे को कह रहे हैं हेंस प्रूफ करें कि ये जो है इक्वल माइनस 2 के है, इसको प्रूफ करेंगे, हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है उसमें 1 के साथ माइनस होता है, इन दोनों में 1 के साथ माइनस नहीं, बाकी तो ठीक है, तो हम किसी माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, माइनस 1 लिख लें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 होल पावर 9 प्लस, इधर भी ऐसे कर दे माइनस 1 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 होल पावर 9, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक हो गया। एक माइनस तो बाहर रह जाएगा, बाकी जो है अंदर साइन चेंज कर देंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 होल पावर 9 प्लस, ये भी ऐसे आएगा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 होल पावर 9, ये माइनस और पावर थी तो इसलिए बाहर वैसे आ गया। अब ये जो चीज़ है ये इक्वल किसकी होती है, ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर और पावर 9 भी थी, पहले होल लिख ले तो बाद में उसे कर लेंगे, ठीक हो गया। प्लस ये माइनस लिख दिया और ये वैल्यू किसकी थी, ओमेगा की, हमने ओमेगा लिखा पावर 9 आ गई, ये माइनस ओमेगा 9 2 18, ओमेगा की पावर 18 आ गई, प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस ओमेगा की पावर 9, 18 3 के टेबल में आता है तो हम इसे लिख सकते हैं, 3 के टेबल में 6 भी आता है ना, 3 6 18 और 9 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 3 9,
माइनस ओमेगा क्यू 1 के इक्वल होता है पावर 6, माइनस ओमेगा क्यू 1 के इक्वल होता है पावर 3, 1 की पावर जितनी मर्जी ले ले वो 1 ही रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास माइनस 2 आ गया जो इक्वल है राइट हैंड साइड पे। ठीक हो गया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। इसे एक बार फिर से देखें, हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू होती है या ओमेगा स्क्वायर की जिसकी भी होती है उसके यहाँ 1 के साथ माइनस होता है, यहाँ पे यहाँ 1 के साथ माइनस में बाकी तो वैल्यू सेम वैसी थी, तो हमने माइनस 1 से 2 दफा मल्टीप्लाई कर लिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। एक माइनस हमने बाहर वैसे नहीं थी, एक माइनस तो था उसके साथ उसके अंदर के साइन चेंज कर दिए, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन गई, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बन गई पावर 9, इसे आगे सिंप्लीफाई हमने कर लिया। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है फ्रॉम एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन के हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, वो कह रहे हैं ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है किसी एक इक्वेशन का, जिस इक्वेशन का वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो ये हैं बाकी दो रूट्स। ठीक हो गया, ये हमने सॉल्व करना है। अब देखिए ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है हमारे पास और ये उस इक्वेशन में, तो मतलब कोई इक्वेशन भी हमारे पास होगी ना, तो हमने फर्स्ट 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में हमारे पास रूट्स होते थे, उनका सम प्रोडक्ट करके इक्वेशन में पुट करते थे, हमारे पास वो इक्वेशन आ जाती थी जिसके रूट्स होते थे। वो इक्वेशन हमारे पास ये होती थी ना, कुछ इस तरह से होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल जीरो। यहाँ पर जो पी होता था वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और जो एस होता था वो सम ऑफ द रूट्स होता था। तो इसका मतलब है हमारे पास रूट्स का सम और प्रोडक्ट होना चाहिए, वो होगा, वो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब रूट्स हमारे पास क्या है, रूट्स आर 2 ओमेगा स्क्वायर, सम करेंगे सम ऑफ द रूट्स, वो क्या होगा 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इनको प्लस करेंगे 2 कॉमन आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 क्या होता है, तो हमारे पास सिर्फ ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसे उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा ना, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस 1 2, तो ये बन जाएगा माइनस 2। ठीक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर को, 2 2 4 आ गया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा क्यूब आ गया, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये 4 1 4 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4 आ गया और सम ऑफ द रूट्स हमारे पास माइनस 2 आ गया। इन्हें हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन, हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल 0 था ना, मैं यहीं पर पुट कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर और एस मतलब सम ऑफ द रूट्स माइनस 2 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4 था तो पी की जगह प्लस 4 आ गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसके ये दो रूट्स दिए गए थे। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।